गांव पर एक चुड़ैल का साया घुमा करता था। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाकर गांव की चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनवाया। चुड़ैल ने गांव में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कवच ने उसे दूर फेंक दिया। अब चुड़ैल का गांव में जाना बंद हो गया। एक दिन चुड़ैल को एक मोबाइल मिला, उस पर किसी का कॉल आया। उधर से बिरजू बात कर रहा था। चुड़ैल ने अपनी मीठी बातों में उलझाकर बिरजू को गांव के बाहर बुलाया और उसका खून पीकर चुड़ैल ने उसे मार डाला। चुड़ैल ने और एक नंबर डायल किया और उसे भी गांव के बाहर बुलाकर उसे भी मार डाला। ऐसे ही गांव में लोग मरने लगे। एक दिन रमेश को कॉल आया। इस बार रमेश की जगह पर उसकी पत्नी कुछ औरतों को साथ लेकर गांव के बाहर गई। उसके साथ उसका पति भी कुछ लोगों को साथ में लेकर वहां पहुंचे। चुड़ैल ने उन सबको देखा तो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ी। तब लोगों ने उस पर हमला किया और एक औरत ने उस पर तांत्रिक का दिया गंगाजल डाला। थोड़ी देर में चुड़ैल जलने लगी और मर गई।